पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्य बुधवार को सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा घाट पहुंचे, जहां उन्होंने नमामि गंगे घाट का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान प्रधान सचिव ने कांवड़ियों की सुविधाओं को बेहतर ढंग से संचालन करते हुए हर स्तर पर प्रयास जारी रखने का निर्देश दिया। वहीं प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्य ने अपने दौरे को लेकर कहा कि सुल्तानगंज का यह अजगैवीनाथ धाम एक अलौकिक है और उनका प्रयास रहेगा कि पर्यटन स्थल में अजगैवीनाथ का भी नाम शामिल हो, जिसके बाद अजगैवीनाथ गंगा घाट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूर दराज से आए कांवरियों को और भी सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रशासन तत्पर है। मौके पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, अंचलाधिकारी शंभु शरण राय, कार्यपालक अभियंता अभिनव कुमार समेत जिले के कई अधिकारी मौजूद थे। विभाग के द्वारा यहाँ पे गेस्ट हाउस बन रहा है, बनने की कार्रवाई शुरू हो गई है। भवन निर्माण विभाग के द्वारा भी गेस्ट हाउस बनने की कार्रवाई शुरू हो गई है। भविष्य में और भी क्या क्या हम लोग जोड़ सकते हैं, इसी को मैं देखने के लिए और अपनी जो व्यवस्था चल रही है उसमें स्टैंडर्ड बना रहे, बढ़िया से बना रहे। पिछले सालों की तुलना में काफ़ी अतिरिक्त व्यवस्था इस बार दी गई है सरकार के द्वारा, आप लोगों ने देखा होगा। तो उसको बनाए रखना भी अपने आप में एक चुनौती रहती है। जब आप ऊंचा कर लेते हैं तो उस जगह पे बना रहना भी चुनौती होती है। भविष्य में और योजनाएं भी हम लोग टेकअप कर सकते हैं, उसकी अभी हम लोग प्लानिंग करें। देखिए, ये जो अभी सब चल रहा है, हमारा श्रावणी मेला चल रहा है, ये पर्यटन का ही एक अंश है और धार्मिक पर्यटन का आप इसे संज्ञा दे सकते हैं। तो अजगैवीनाथ मंदिर के नज़दीक पर्यटन विभाग के द्वारा पूर्व में कुछ ही सालों पूर्व घाट का निर्माण कराया गया है और उसके अलावा वहाँ पे LED वगैरह की भी व्यवस्था की गई है, बेंचेस वगैरह की व्यवस्था की गई है। पूर्व में तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर जो फुट ओवर ब्रिज बना के दिया गया था, उस समय तो मैं ही जिलाधिकारी था, उस समय पुल निर्माण निगम ने उसे बनाया था। भागलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्यवाही करते हुए मधेपुरा से झारखंड नंबर की स्कॉर्पियो से लाई जा रही भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि चालक समेत एक शराब तस्कर मौके से भागने में सफल रहा। वहीं इसको लेकर गुराड़ी थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि उन्हें मधेपुरा से भारी मात्रा में स्कॉर्पियो से शराब लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसकी सूचना लोदीपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद छापेमारी अभियान चलाकर लोदीपुर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब समेत स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि मौके से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। घर मधेपुरा। पापा का नाम? स्कॉर्पियो तुम्हारा है? तब किसका नाम बताओ? शिवशंकर भैया। कहाँ का? शिवशंकर भैया वो भी साथे था, अभी भाग गया वो। और कौन था साथ में? ड्राइवर। ड्राइवर ड्राइवर भी भाग गया? क्या नाम है ड्राइवर का? कहाँ का है वो? तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। सिंडिकेट हॉल में विश्वविद्यालय के अधिकारियों से वार्ता के बाद संघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की। वार्ता के दौरान सेवा संतुष्टि समेत 12 सूत्री मांग को लेकर संघ के नेताओं और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई। वहीं प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल द्वारा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद जिला मंत्री प्रभु नारायण मंडल ने कई गंभीर आरोप लगाए। प्रभु नारायण ने कहा कि सुशील मंडल के निर्णय को हम लोग नहीं मानेंगे, जबकि सुशील मंडल ने कहा कि छात्र हित और कॉलेज कर्मियों के सेवा कंफर्मेशन के कार्य को लेकर हड़ताल 8 अगस्त तक के लिए स्थगित की गई है। रजिस्ट्रार डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने कहा कि गुरुवार से सभी कॉलेज एवं पीजी विभाग खुलेंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कर्मियों का सेवा कंफर्मेशन संबंधित काम तेजी से चल रहा है। इस अवसर पर DSW प्रोफेसर राम प्रवेश सिंह, प्रॉक्टर रतन मंडल समेत कई कर्मी मौजूद थे। इन लोग का मेन टोटल पॉइंट तो इन लोग का 12 पॉइंट था। इन लोग का मेन पॉइंट था कि हम लोग का कन्फर्मेशन होना चाहिए। इस पे सहमति बन गई है, हम लोग प्रयास करेंगे। जैसा कि राज्य सरकार का कल पत्र आया है, उन लोगों ने, राज्य सरकार ने 11 तक का डेट दिया है, तो प्रयास करेंगे हम लोग 8 अगस्त तक इन लोग का सारी प्रक्रिया हम लोग पूरी कर दें। और टीम पहले से काम कर रही थी और आज से फिर हम लोग उसमें जुट गए हैं।
जितना जल्द होगा प्रयास कर रहे हैं 8 से पहले भी हो जाए तो बहुत अच्छा, ताकि उन लोग पोर्टल पे अपना अपलोड कर सकें। ये इनका गलत आरोप है, ऐसा कुछ नहीं है। संगठन का कार्य है कि 5 कदम आगे बढ़ना, 5 कदम पीछे हटना, और छात्र को भविष्य को देखते हुए ये संगठन विश्वास पर चलती है, विश्वविद्यालय प्रशासन पर विश्वास है, और इन्होंने एग्रीमेंट हमारे साथ किया है कि 8 अगस्त तक आपका सारे कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। ये समझौता तो हर संगठन अपना पक्ष का बना के रखता है, हम भी अपने पक्ष का बना के रखा है। नो विक्टिमाइजेशन मेरा सबसे बड़ा चीज़ था, नो विक्टिमाइजेशन पर हमने दस्तखत कराया है। वार्ता में बुलाया गया था हम लोग को 11 बजे, विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार साहब थे, DSW साहब थे, प्रोक्टर साहब थे, सबसे सारे मुद्दों पे बात हुई। लेकिन वार्ता में जो इनका रूप पहले था, आज से 2 साल पहले भी कई मुद्दों पे कई तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया। हम लोग हर बार इनके बातों को माने, 2 साल से मानते जा रहे हैं। हमारी नौकरी, जिस समय ये पहली बार इस मुद्दे को लेकर हड़ताल हुई थी, तब हम 8 साल का नौकरी कर रहे थे, आज हमारे नौकरी का 10 साल से ऊपर हो चुका है। लेकिन आज तक सिर्फ वार्ता होते रहा और आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। जब हम लोग का हड़ताल 18 तारीख से चलना था, इन्होंने 16 तारीख को वार्ता किया। वार्ता में इन्होंने सब लोग के सामने, प्रोविसी साहब खुद से, उन्होंने वादा किया कि 2 दिन में कर देंगे। 18 तारीख को जब हुआ वार्ता तो बोला कि नहीं, अभी समय लगेगा। इन लोग के तरफ से बस एक ही चीज़ किया जाता है कि किसी तरीके से टालना है। TMU के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने संघ के प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल के निर्णय का विरोध कर दिया है। कर्मियों का आरोप है कि सुशील मंडल विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिल गए हैं, इसलिए उन्होंने 9 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल को कर्मियों की सहमति के बिना ही स्थगित करने की घोषणा कर दी। इधर सुशील मंडल के विरोध में कर्मियों ने TMU कॉलेज में जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी संघ के प्रभु नारायण मंडल, सतीश मंडल और नवनीत झा ने कहा कि हड़ताल जारी रहेगी। ये हड़ताल अपने मनमाने ढंग से हड़ताल तोड़ा गया है, जो कि हम लोग इससे सहमत नहीं हैं। जो वो पहले से ही मांग पत्र अपना तैयार कर लिए थे, हम लोगों से बिना वार्ता किए, बिना समझौता किए हुए पदाधिकारी से मिल गए थे और समझौता अपना पूरा कर लिए थे। वो सारा समझौता वो अपने पहले से तैयार करके रखे थे, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने उस पर बात भी किया तो उन्होंने कहा कि इस पत्र को अब हम वहाँ नहीं रखेंगे, नए सिरे से जो बात होगी हम उसको रखेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ से जाने के बाद उसी मांग पत्र पर उन्होंने समझौता कर लिया। मैं मीडिया से भी जानकारी लेना चाहता हूँ, क्या प्रक्षेत्र मंत्री या मैं सेक्रेटरी हूँ 3rd ग्रेड का, अकेले डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। ज्यादा होगा वहाँ बातचीत होगी, बाहर निकल के आपस में हम लोग यहाँ समझौता करेंगे, विचार विमर्श लेंगे यहाँ अपने कर्मी से कि ऐसा ऑफर आ रहा है, भाई आप लोगों का क्या कहना है, अकेले डिसीजन ले लें। ये प्रक्षेत्र मंत्री बार बार ड्रामा यही है कि हड़ताल करो, हड़ताल करो, हुआ हुआ करो, और इसके बाद हड़ताल तोड़ने में भी सबसे पहले आगे रहते हैं और बंद कमरे में उन लोगों से मिल के सौदाबाजी अपना करके हड़ताल तुड़वा देते हैं। इसलिए हम लोग इस बार मरो या मर, इस बार हम लोग कफन बांध लिए हैं कि जो करना है विश्वविद्यालय करे, प्रक्षेत्रीय मंत्री करें, TNB कॉलेज इकाई अपने आप जैसे था पूर्ववत हड़ताल में उसी तरह हम लोग हड़ताल में रहेंगे। जी, ये मामला ऐसा है कि 2012 में 150/2012 हमारे नियुक्ति का पत्रांक संख्या है। उस समय अनुकंपा पे लगभग 150 लोगों का बहाली हुआ था, जिसमें कि 60 लोगों की बहाली तृतीय वर्गीय कर्मी के नाम से कर दिया गया था, पद दिया गया था तृतीय वर्गीय कर्मी, 5200 से 20200 का पे स्केल दे करके बहाल कर दिया गया था। हम लोग अपने अपने जगह पर जा करके बहाल हो गए, नौकरी करने लगे, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड दिया गया था, हम लोगों ने 1 साल काट लिया। हम लोगों का सैलरी 1.5 साल तक बन रहा, पहला सैलरी हमें मिला 12,624 रुपया, जो कि सभी लोगों को मिला। बाद में विश्वविद्यालय में जो उसी पत्रांक संख्या में जो 17-18 लोग बहाल थे, ऐसा 2-3 पत्रांक निकला था, इसमें 150/151/152/2012 इस तरह का पत्रांक संख्या था। तो विश्वविद्यालय में कुछ लोग ज्वाइन किए जो हमारे पत्रांक संख्या के अंतर्गत भी आते हैं, उनको यहाँ पे पता नहीं किस तरीके से सीनेट द्वारा, सिंडिकेट द्वारा, वित्त कमेटी द्वारा पास करते हुए उनको 9300 का वेतनमान दे दिया गया 4300-4200 ग्रेड पे करके।
पुलिस जिला नवगछा के रंगरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत अर्जुन बीएड कॉलेज के पास टेम्पो और पिकअप वैन की टक्कर में एक दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। सभी बच्चे बाल भारती स्कूल के बताए जा रहे हैं, जो रंगरा और मदरौनी गांव से अपने स्कूल जा रहे थे। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पिकअप ने स्कूली बच्चों से भरी टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसके बाद सभी घायल बच्चे को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में भर्ती करवाया। वहीं घायलों में चार बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तुम लोग को, आप लोग को मार दिया? आप लोग आगे बैठे थे कि पीछे बैठे थे? बाबू पीछे बैठे थे, तो फिर अचानक टेम्पो पलट गई, तब आवाज आई, तब पता चला? नहीं, पलटी नहीं, मरा है। मतलब डर गए जब आवाज हुई तो क्या उसके बाद सब लोग चिल्लाने लगे? नवगछिया स्टेशन से भागलपुर की ओर जा रही ऑटो और हाईवा की टक्कर में एक दर्जन यात्री घायल हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि प्रवत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ गौरैया चक के समीप ऑटो नवगछिया स्टेशन से यात्री को लेकर भागलपुर जा रहा था, तभी उसकी टक्कर तेज रफ्तार हाईवा से हो गई, जिससे ऑटो चालक प्रवीण कुमार सहित करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुँच जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चार लोगों को भागलपुर मायगन अस्पताल रेफर कर दिया। जा रहे थे नवगछिया सर्वर, जा रहे थे हम लगा रहे हैं टेम्पो का डगा रहे हैं। कितने लोग था सब उसमें? 11 लोग था। कहां पे दुर्घटना हुई? ये हुआ गरैया चौक जो है पेट्रोल पंप से कंट आगे। कौन का धक्का मारा? मारा ट्रक था, हाईवा। भागलपुर के कहलगांव में 18 जुलाई को सती घाट नदी में चार डूबती बच्चियों में से तीन को अपने जान पर खेलकर विनीत राय ने बचा लिया था, जिसको लेकर मंगलवार को विनीत कुमार को आपदा फरिश्ता सम्मान से नवाजा गया। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से उन्हें डीआईजी कार्यालय में सम्मानित किया गया। डीआईजी विवेकानंद ने उन्हें प्रमाण पत्र, मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर डीआईजी ने कहा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे की जान बचाते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा ऐसे लोगों को आपदा फरिश्ता अवार्ड से सम्मानित करना बहुत ही सराहनीय कार्य है, इससे अन्य लोगों को भी एक दूसरे की जान बचाए या सहयोग करने की प्रेरणा मिलेगी। डीआईजी ने कहा कि ऐसे युवक को स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर सरकार द्वारा सम्मान मिलना चाहिए। वहीं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह सम्मान वैसे लोगों को दिया जाता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरे की जान बचाते हैं। 30 अप्रैल को विधान परिषद उपसभागार में बिहार झारखंड के कई ऐसे योद्धाओं को सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि विनीत ने कहलगांव में गंगा में डूब रही तीन बच्चियों को बचाया था। यह जानकारी कहलगांव इकाई के अध्यक्ष नितिन कुमार द्वारा दी गई थी। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष श्यामल सिंह, कोषाध्यक्ष राकेश माही, महिला प्रकोष्ठ की कोषाध्यक्ष आभा पाठक आदि मौजूद थे। किसको पाले बचाए? बचाएगा? यही संदेश देना है कि जिस समय ऐसा हो तो अगर आपसे बन पड़े तो उसको बचाए। आपको डर नहीं लगा? डर तो लगा सर, फिर भी चार चार जा रहे हैं एक आत्मा के साथ। यह अत्यंत ही साहसपूर्ण काम है और विनीत कुमार राय ने एक पूरे समाज के लिए और पूरे भागलपुर जिला के लिए एक मिसाल पेश किया है कि कैसे खतरा स्वयं झेल करके दूसरों की जान बचाने के लिए कितना रिस्क ले सकते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है और इस तरह का हिम्मत कम लोगों में होता है। आज विनीत राय जी को हम लोगों ने सम्मानित किया डीआईजी साहब के हाथों से, और इन्होंने पिछले 18 तारीख को तीन डूबती लड़कियों को बचाया कहलगांव घाट पर। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन जागृति सोसाइटी लगातार दुर्घटना पर काम करती है, चाहे सड़क दुर्घटना हो या जल दुर्घटना हो या सर्पदंश हो, हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह बिहार विधान परिषद में 30 अप्रैल को किया था। उसी कड़ी को हम लोग बढ़ाते हुए जहाँ भी कोई ऐसे जामवादी दिखाते हैं जो अपने जान की परवाह किए बिना वो किसी डूबते हुए को, किसी दुर्घटनाग्रस्त आदमी को बचाते हैं, तो हम लोग उसको सम्मानित करते हैं।
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बटसार गांव से एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमी युवक तीन बच्चों की मां को दिल दे बैठा। बताया जा रहा है कि दोनों के प्रेम प्रसंग का मामला ग्रामीणों के सामने उजागर होने पर उन दोनों की शादी करा दी गई। दरअसल बांका बटसार गांव का निवासी रुदल कुमार रात के अंधेरे में चोरी छिपे अपनी प्रेमिका तीन बच्चों की माँ शाता देवी के सनहोला स्थित करहरिया गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने प्रेमी प्रेमिका को पकड़ कर में बांध दिया और जमकर पिटाई कर दी। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची सरहोला पुलिस ने दोनों को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई। इधर पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी प्रेमिका के परिजनों और ग्रामीणों के बीच पंचायत हुई, जिसके बाद सभी की रजामंदी से सरहोला थाना अध्यक्ष और बटसार पंचायत के सरपंच भरोसी मंडल की देखरेख में शीतला मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। बता दें कि प्रेमिका का पति बाहर में रहकर मजदूरी करता है, जिसकी गैर मौजूदगी में महिला का रुदल कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि प्रेमी युगल की शादी के बाद प्रेमिका के तीनों बच्चों को उसके दादा के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं इलाके में इस पूरे घटनाक्रम की चर्चा का दौर जारी है। नवगछिया अनुमंडल कारा में माराडीह के विचाराधीन बंदी की कथित संदेहास्पद मौत और साधोपुर गोलीकांड के विरोध में आजाद हिंद मोर्चा के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने किया, जबकि कार्यक्रम में साधोपुर और माराडीह के ग्रामीणों के अलावा कई समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने भी जमकर विरोध जताया। इससे पूर्व नवगछिया स्टेशन परिसर से निकला जुलूस नवगछिया बाजार, थाना रोड और मकनपुर चौक होते हुए अनुमंडल कार्यालय परिसर पहुंचा, जहां धरना सभा का आयोजन किया गया। वहीं राजेंद्र यादव ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक दोनों गांव के ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलता है, तब तक वे लोग संघर्ष करते रहेंगे और सरकार द्वारा आम लोगों को सुरक्षा की गारंटी देना होगा। इधर धरना कार्यक्रम के बाद मांगों से संबंधित एक ज्ञापन नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी को सुपुर्द कर दिया गया, जिसमें नवगछिया अनुमंडल कारा में हुई संदेहास्पद मौत के मामले की न्यायिक जांच कराने समेत कई मांग की गई। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और आजाद हिंद मोर्चा के लोग मौजूद रहे। यह दर्शाता है कि प्रशासन को मन में है कि यदि यह मामला ज्यादा हाईलाइट होता है तो हम फंस जाएंगे। उनको डर है, नहीं तो पुलिस क्यों रोकेगी? क्या धरना प्रदर्शन देने का नैतिक अधिकार हमको नहीं है? क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? मांग अब यदि पूरी नहीं की जाएगी 10 दिनों के अंदर, फिर हम लोग डीएम साहब के यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे। उसके बावजूद भी नहीं माना जाएगा तो हम लोग रेल और रोड को भी जाम करने का लिखित घोषणा दे करके करेंगे आजाद हिंद मोर्चा की ओर से। दूसरी बात, आजाद हिंद मोर्चा सिर्फ यहीं तक लड़ाई नहीं लड़ेगा, यह बिहार के मुख्यमंत्री से भी मिलकर, देश के गृह मंत्री से मिलकर के भी और भी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से आगे संघर्ष को बढ़ाएगा, तब तक जब तक कि न्याय मिल नहीं जाता है। सनहोला प्रखंड के तिलौंधा पंचायत अज्ञा गांव में बुधवार को मनरेगा के तहत पौधों को संरक्षित करने का संकल्प लेते हुए वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रिका कुमारी, रोजगार सेवक विपिन बिहारी एवं तिलौंधा पंचायत की पंचायत समिति सदस्य रत्ना प्रिया झा ने पौधारोपण किया। वहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण के बाद वीडियो ने कहा कि आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा को देखते हुए पौधारोपण बहुत आवश्यक है, जबकि पर्यावरण की खुशहाली के लिए हम सभी को मिलकर अधिक से अधिक संख्या में पौधा लगाना होगा। मौके पर तिलौंधा पंचायत के मुख्य सरोज सिंह, पंकज कुमार झा, मिथिलेश कुमार सिंह समेत काफी संख्या में प्रखंड के लोग मौजूद थे।